धमतरी पुलिस ने अष्टधातु से निर्मित भगवान की मूर्ति चोरी करने वाले चोर को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है चोर का नाम राकेश नगरची है, जो धमतरी अटल आवाज डिपारा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चोर के कब्जे से दो अष्टधातु की मूर्ति बरामद की। वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। 8 दिसंबर को शहर के आमपारा स्थित आदिनाथ भगवान जैन मंदिर से अष्टधातु से निर्मित शांतिनाथ भगवान की मूर्ति और विश्वनाथ पट की मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई थी, जिसपे थाना सिटी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच पड़ताल में पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और कम्युनिकेट पुलिसिंग के तहत बनाए पुलिस मुखबिरों की मदद से आरोपी की पहचान और ताजिश की, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर उससे कड़ी पूछताछ गई, जिसमें आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि मैं रिक्शा चलाने का काम करता हूं और मंदिर के आसपास अक्सर सवार ले जाया करता था। मंदिर में रखे मूर्तियों को आरोपी ने सोने की मूर्ति समझकर चोरी का प्लान बनाया और मंदिर के आसपास भीड़ कम देखकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वहीं आरोपी के कब्जे से दोनों मूर्तियां बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू की। धमतरी से विजय साहू की रिपोर्ट। बताया गया कि तत्काल इसमें कार्रवाई करें, जितने भी जो भी संदेही हैं इसके पूर्व भी ऐसी कोई अगर कोई घटना हुई है उसका भी अवलोकन करें और तत्काल इसमें कार्रवाई करें। इनके द्वारा टीम गठित कर जिसमें कि कोतवाली थाने से और भी स्टाफ लिया गया और वहाँ संदेहियों से पूछताछ की गई। संदेहियों में राकेश नागरची की पहचान इसमें सुनिश्चित हुई। कुछ संदेहियों में से ये संदेही जो है ये वहाँ पर ज़्यादातर ये रिक्शे में वहाँ श्रद्धालु जो आते हैं उनको लेके आता था और इसी बीच उसने अंदर भी गया होगा और रेकी की होगी, देखा होगा कि ये मूर्ति जैसा कि दिख रहा है कि सोने की होगी और इसी लालच में इसने ये मूर्ति चोरी की। और चूंकि उसने ऐसा समय चुना जबकि लोग वहाँ पर कम रहते हैं, उस समय पुजारी भी चला गया रहता है एक दो घंटे के लिए, उसी समय इसने ये इसकी चोरी की थी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी कि लोगों का इससे जैन समुदाय का आस्था का विषय जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी पुलिस लगातार दिन भर उसमें लगी रही और अंततः ईश्वर की कृपा से इसमें सफलता मिली और ये मूर्ति आज बरामद हो गई है, जिसमें दोनों चीजें जो चोरी गई थी वो आपके सामने। सर क्या मामला दर्ज किया गया? इसमें 457 380 का मामला कोतवाली थाने में दर्ज किया गया है।